हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लेकर आए हैं पोहा नमकीन मिक्स। ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, और हमने इसे बहुत ही कम टाइम में बनाया है। आप इसे स्टोर करके लगभग 1 मंथ तक रख सकते हो। सबसे पहले एक कढ़ाई में ऑयल ऐड करें और इसमें कच्ची मूंगफली ऐड कर दें लगभग 1/2 कप, और इसे बढ़िया से फ्राई कर लें। हम इसको ऑयल में डीप फ्राई कर रहे हैं। आप चाहें तो मूंगफली को सूखा रोस्ट भी कर सकते हो, ये देखिए, और तब तक फ्राई करें जब तक ये बिल्कुल क्रिस्पी सा ना हो जाए और इसका कलर कुछ ऐसा ना हो जाए। अब हम इसको ऐसे बाहर निकाल लेंगे तेल से, और इसे एक स्ट्रेनर में इसमें रखने के बाद आप इसे किसी स्ट्रेनर में रख दें ताकि इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। दूसरी कढ़ाई लें और इसमें सूखे पोहे ऐड कर दें। कढ़ाई बिल्कुल गर्म हो तब ही पोहे ऐड करें, और इसे लगातार मिक्स करते हुए पोहे के क्रिस्पी हो जाने तक कुक करें। हमें इसको सूखा ही रोस्ट करना है, इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है। लगातार चलाते रहने के बाद लगभग 3 से 4 मिनट के बाद ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाता है। ये देखिए, एक बार इसको ऐसे टच कर दें और ऐसे तोड़ के देखें, ये बिल्कुल क्रिस्पी सा दिखेगा। इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लें। हम इसको मीडियम या लो फ्लेम पर ही रोस्ट करेंगे। सारा कढ़ाई से निकालने के बाद सेम कढ़ाई में हम ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। हम लगभग 2 टीस्पून ऑयल ले रहे हैं, और ऑयल हमने वही वाला लिया है जिसमें हमने मूंगफली फ्राई किया था। ऑयल गर्म होने पे इसमें 1 टीस्पून राई दाना ऐड कर दें। आप चाहें तो इसके साथ जीरा भी ऐड कर सकती हो। इसी के साथ ही बारीक कटी हुई हरी मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दें। आप चाहें तो लाल मिर्च सूखी वाली भी ऐड कर सकते हो इसके साथ, और खूब सारा करी लीव्स ऐड कर दें। करी लीव्स को बिल्कुल अच्छे से वॉश करके ऐड कर दें, और इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई करें। एक बार इसको स्पैचुला से चला दें और क्रिस्पी होने तक फ्राई करें, बहुत ज़्यादा ब्राउन ना करें। इसी के साथ ही फ्लेम लो कर दें और फिर शुगर ऐड कर दें लगभग 1/2 टीस्पून। आप चाहें तो शुगर पाउडर भी ले सकते हो इसके प्लेस पे। इसके बाद अब इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून, और रेड चिली पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दें, बहुत ज़्यादा भी ना ऐड करें। इसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करें। अब इसमें 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, और इसमें दरदरी पीसी हुई काली मिर्च और ब्लैक सॉल्ट ऐड करेंगे। हम इसमें सिर्फ ब्लैक सॉल्ट डाल रहे हैं। आप चाहें तो नॉर्मल सॉल्ट भी इसके साथ ऐड कर सकती हो, या फिर दोनों ही ऐड कर सकती हो टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसे मिक्स कर लें, बिल्कुल लो फ्लेम पे 1/2 मिनट तक फ्राई करें, बहुत ज़्यादा ब्राउन भी ना करें। फ्राई होने के बाद अब इसमें जो हमने चूरे फ्राई किए हैं और मूँगफली फ्राई की है उसको ऐड कर दें। पहले हम मूँगफली ऐड कर देंगे। मूंगफली की अमाउंट भी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसे मिक्स कर लें ताकि मूंगफली पे सारे मसाले अच्छी तरह से कोट हो जाएं। मूंगफली ऐड करने के बाद अब हम भुने हुए चूरे ऐड कर देंगे। ये देखिए कितने क्रिस्पी हो गए हैं ठंडे होने के बाद। एक बार इसको स्पैचुला से अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और इसे तब तक मिक्स करें जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। ये देखिए, जब इसका कलर चेंज हो जाए और ये हल्का सा ठंडा हो जाए। हल्का ठंडा होने के बाद अब इसमें अलग अलग तरीके की नमकीन ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें हल्दीराम की भुजिया नमकीन, और फिर हल्दीराम की ही आलू मिक्सचर नमकीन ऐड करेंगे। आप इसमें कोई भी ब्रांड की नमकीन जो आपके पास हो या जो आपको पसंद हो, आप इसमें अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। और इसमें नवरत्न नमकीन ऐड करेंगे, इसी के साथ ही आलू भुजिया नमकीन भी ऐड कर देंगे। सारा हमने छोटे वाले पैक्स लिए हैं। जो भी नमकीन आपके पास हो आप इसमें वो ऐड कर सकते हो। ये हम चटपटा मिक्सचर ऐड कर रहे हैं। इसी के साथ ही इसमें चटपटा मिक्सचर, और फिर लास्ट में हम चिप्स ऐड करेंगे। घर का जो चिप्स होता है उसको फ्राई करके ऐसे हाथों से क्रश करके इसमें ऐड कर दें। चिप्स कैसे बनता है इसकी रेसिपी भी हमने चैनल में दी हुई है। और ये हम लेज ऐड करेंगे, किसी भी फ्लेवर का लेज आप ले सकते हो। हाथों में लेके इसको भी हल्का सा क्रश करके ऐसे ऐड कर दें। किसी भी फ्लेवर या किसी भी ब्रांड का चिप्स आप ले सकते हो, और जो पीसेस बड़े रह गए हैं उसको हाथों के हाथ से ऐसे हल्का सा तोड़ दें। अब ये पूरा रेडी हो गया है, इसको मिक्स कर लें और फिर सर्व करें। ये देखिए देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। बिल्कुल ठंडा होने के बाद आप इसे एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हो, और ये लगभग 1 मंथ तक ख़राब नहीं होगा। ट्रैवलिंग में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। ये देखिए कितना परफेक्ट दिख रहा है। अब हम आपको इसके साउंड सुनाते हैं, कितने क्रिस्पी हैं, देखने में भी कितना बढ़िया लग रहा है। लगभग 1 मंथ तक ये ख़राब नहीं होगा।
अगर आप इसे 1 मंथ तक रखना चाहते हो तो इसमें ग्रीन चिली के प्लेस पे रेड चिली सूखी वाली ऐड कर दें। चिली कितना क्रिस्पी और कितना परफेक्ट है। हमारा पोहा मिक्स नमकीन बनकर तैयार है। आप इसे ट्राई करें और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करें, और हमारे अगले वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।